ये है नेचुरल ब्रिज नील आइलैंड का, लक्ष्मणपुर बीच। हो रही है ना? हाँ। और प्रकाश जी हमारे गाइड हैं जिन्होंने हमें कोरल रीफ्स के बारे में और नेचुरल ब्रिज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मरीन लाइफ के बारे में, नो डाउट। तो मिलते हैं प्रकाश जी से वेरी सून। और नील आइलैंड के इस अट्रैक्शन की शुरुआत कैसे हुई, आइए हम आपको इस जर्नी के शुरुआत में लेकर चलते हैं। नील आइलैंड के होटल में चेक इन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं लक्ष्मणपुर बीच 2 की साइट सीइंग के लिए, जो फेमस है अपने बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्रिज, काफी सारी मरीन लाइफ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोरल्स के लिए। तो आइए चलते हैं लक्ष्मणपुर बीच 2। क्या है, पैसेंजर्स तो आते रहते हमारे, अभी बच्चों का हॉलीडे था, हमने बोला कि हम लोग भी घूम के आते हैं। तो सर देख के आओ तो ज्यादा क्लैरिटी इससे बता सकते हैं, गेस्ट को बोलने में आप कन्विंस कर सकते हो। एग्जैक्टली, अगर आपको खुद को मालूम है आप डाउट रहोगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अंदमान कैसा लगा? फैंटास्टिक, मतलब हैवलॉक तो ऐसा लगा कि आते रहेंगे बीच बीच में, दो तीन दिन का छुट्टी होगा तो। वैसे पहले प्रोग्राम नहीं था नील एक्सप्लोर करने का, फिर हमने बोला कि एक नाइट करके आते हैं सो दैट समझ में आएगा, तो आते भी रहेंगे और पैसेंजर्स को बताने की में थोड़ा सा इजी हो जाता है। इस ब्रिज का नाम क्या है जहाँ हम जा रहे हैं? लक्ष्मणपुर 2 बीच है और ब्रिज का नाम है, इसमें नेचुरल ब्रिज बोला जाता है। नेचुरल ब्रिज लक्ष्मणपुर 2 बीच। सामने में हेडिंग है सर, देख लीजिएगा और फोटो भी ले। ओके। लेकिन इसके ऊपर जो जितने भी बड़े पेड़ है ना, जो बड़े पेड़ देखते हैं, हाँ। ये सी महुआ पेड़ है, जो महुआ लीकर बनता है ना सर। अच्छा अच्छा, महुआ पेड़ है, सी महुआ पेड़। ओके, उस्मान नेम प्लेट भी आपको दिखाएंगे आगे। सर ये जो सी महुआ है 200 साल से भी पुराना पेड़ है। अच्छा, और इससे झाड़ियों से यहाँ पे स्टे बन रहे हैं। 200 साल से भी पुराना शो देख रहे हैं, देख के आ रहा। यहाँ पर रेत है, स्लिप होने के चांसेस ज्यादा है। सर यहाँ पे जो फल लगा हुआ है इसे सी पेंडेनस या सी पाइनएप्पल के नाम से जाना जाता है। ओके, और ये आदिवासी का ट्रेडिशनल फूड है। तो ये जैसे पाइनएप्पल खाते हैं वैसे खा सकते हैं इसको? सर एक्चुअली ये अगर खाना है तो 7 डेज प्रोसेस है, इससे लीकर जैसा बनता है। अच्छा ओके, ठीक है सर। ये जो ट्रेडिशनल फूड है आदिवासी का, उन लोग ये 7 डेज यूज करने के बाद ही, प्रोसेसर करने के बाद ही यूज करते हैं। अच्छा अच्छा सर, एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट नहीं खाते क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन है, और जो पक जाते हैं तो ऑरेंज कलर का होता है। तो मैं हम लोग ये साइड में सर 2 लोकेशन रहेगा और ये साइड में 1 लोकेशन रहेगा। अच्छा, ब्रिज के साथ, ब्रिज के फ्रंट साइड में 1 लोकेशन रहेगा, ब्रिज के बैक साइड में अलग लोकेशन, और ये साइड में 1 लोकेशन। तो हम लोग पहले ये वाला लोकेशन जाएंगे सर। ठीक है, ठीक है सर। ये वाला जो लोकेशन है ये फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग नीमो मतलब जो जो क्लाउन फिश है। हाँ सर, क्लाउन फिश है, वो दिखता है। हाँ, नॉर्मली ये इसके लिए स्कूबा डाइविंग या सी वॉक करना पड़ता है इस पे फिश को देखने के लिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बाई वॉक देखेंगे क्योंकि ये डीप सी ओशन है। ओके, इसलिए ये शोर में आप देख पा रहे हो। ओके, और ये कपल फैमिली होता है इसका, जो एक्चुअली ये फैमिली फिशेज होता है। ओके, और ये इसका खुद का घर होता है। अच्छा, और इसका मेल में इसका बर्थ होता है सर। ओके, और ये लाइफ, हाँ लाइफ में एक बार अपना जेंडर को चेंज कर सकता है। अच्छा, और ये नेसेसरी नहीं है हर फिश ही अपना जेंडर को चेंज करे। ओके, और ये जो एक बार अगर जेंडर चेंज कर लिया तो वापस अपना जेंडर में नहीं आ सकता सर। ओके, और इसका घर जो होता है एक पॉइजन और मैग्नेट किस्म का एनिमल्स है, जो ह्यूमन अगर हम लोग अगर उसका घर को टच करें, हमारे स्किन में अगर कोई एलर्जी जैसा बीमारी है तो एक्टिव होने के चांस है। तो बेटर टू डू नॉट टच फॉर देम, हम लोग टच नहीं करेंगे उसका घर को। ओके, ठीक है सर। तो वो घर के कोरल से बनाए, एक्चुअली उसे एक प्लांट बोला जाता है, या आप कोरल्स नहीं बोलते, वो सी अनमून के नाम से जाना जाता है उसका घर को। ओके, सी अनमून। हाँ सर, और जो ये जो होता है उसका घर भी एक लाइव एनिमल्स है।
अच्छा अच्छा लाइव एनिमल है। हाँ लाइव एनिमल है सर। और वो उसका फिशेस का कलर व्हाइट और ऑरेंज कलर का होता है सर। ओके वहाँ पे आप देख पाएंगे वो घर, और उसके साथ साथ वही सेम लोकेशन पे सी वीड, जो ये जापानी चाइनीज कोरिया ये बहुत ज्यादा यूज करता है। और ये टॉर्टरस का भी फूड होता है जो इस लोग खा के लॉन्ग ईयर जीता है। जैसे 400 साल जीता है टॉर्टरस, ठीक है, ये इसलिए जापानी चाइनीज इस लोग भी बहुत साल जिंदा रहता है। अच्छा तो वो सी वीड आपको दिखाएंगे यहाँ पे, जिससे प्रोटीन पाउडर कॉस्मेटिक भी बनता है जिससे। अच्छा ठीक है सर। और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कॉस्टली है ये। और इसके साथ देख पाएंगे वहाँ पे टच भी नट फ्लावर, जो छुईमुई बोलते हैं ना सर हम। हाँ, वो तो हमारे साइड ही बहुत होता है। ये जो होता है ये फॉरेस्ट में होता है, जो वाला चीज आप बोल रहे हैं वो फॉरेस्ट में एक लीफ्स होता है जो टच करने से बंद हो जाता है। हाँ, हाँ, करेक्ट। लेकिन ये वाला है सी वाला, मैं जिसका बात कर रहा हूँ सी वाला प्लांट होता है ये, क्योंकि ये ब्रेन कोरल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि उसके अंदर जो होता है बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन को उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको खा के वो जिंदा रहता है। ओके ठीक है सर। और वो चुईमुई को टच करने से वो क्लोज हो जाता है, फिर थोड़ा देरी में वो बाहर आ जाता है सर। अच्छा वो भी देख पाएंगे वहाँ पे। उसके साथ साथ देख पाएंगे यहाँ पे सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर जो होता है ये आस्थमा और कैंसर का दवाई बनता है इसे। और इसे खाया भी जाता है। अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कॉस्टली भी है ये, वो भी देख पाएंगे वहाँ पे। ओके और ऑयस्टर शेल जिसमें मोती बनता है सर। और एक्चुअली जो मोती मार्केट में आता है वो सारा मीठा पानी का, खड़ा पानी का जो होता है बहुत कॉस्टली होता है। अच्छा तो जो होता है 35 इयर्स में एक बार ही होता है उसमें मोती आता है। okay. तो इसलिए बहुत कॉस्टली होता है सर। वो गोल्डन शॉप पे ही मिलता है सर, तो 60,000 के ऊपर होता है एक पल। अच्छा हाँ सर। ये वाला जो होता है ये इसलिए ढेर सारा है, इसका खेती किया जाता है सर। ओके तो इसलिए अवेलेबल मार्केट में जो है वो उसका खेती किया जाता है सर। ओके ये सारे चीज हम लोग ये लोकेशन पे देखेंगे। और एक ऐसा आपके पास अगर फोन है तो मैं एक ऐसा फोटो करके दूंगा जो पूरा आइलैंड आपका पीछे रहेगा और आप लोग उसके सामने रहेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। वो पैनोरामा में करके? हाँ, पैनोरामा में करते हैं सर। ठीक है ठीक है। फोन तो लाए आप कर दीजिएगा। श्योर। और यहाँ पे देखिए ये जो देख रहे हैं ना ये समुद्री घास बोला जाता है ये वाला। ओके ये सी वीड के नाम से जाना जाता है। ये सी वीड है इशू, इसके ऊपर से हम लोग चलेंगे भी। अच्छा और आगे जाके आपको सी पाइनएप्पल जो पक गया है वो वाला दिखाएंगे आपको। ओके हम लोग को और ज़्यादा दूर तक चलना नहीं है, वो जो लोहा का ड्राम है उसके नीचे हम लोग को उतारना है सी में। और उसके डायरेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सी पाइनएप्पल जो पका वाला है। अच्छा अच्छा वो देखिए ऑरेंज कलर का होगा अंदर में। हाँ हाँ हम लोग जितना नज़दीक जाएंगे हम लोग उस साइड में तो आप देख सकते हैं उसके अंदर में। ओके वो देखिए सर पक्का हैंगिंग किया हुआ है। हाँ 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 ठीक है सर बिल्कुल ऑरेंज है। अभी हम लोग तक पानी के अंदर आएंगे। ओके ऐसा पानी रहेगा जो फाइनली नीमो के पास हम लोग जा रहे हैं। तो क्या ये स्लीपर पहन के चल सकते हैं? स्लीपर पहन के जाना है आपको। अच्छा ओके आओ इसका फाइंडिंग नीमो जो प्लांट इसके नाम से जाना जाता है। हाँ इसकी इसकी मूवी देखी हमने। ये है उसका घर, उसके साथ साथ व्हाइट और ऑरेंज कलर का फिश बाहर में है। आप तो उसको पानी में भी डाल सकते हो लेकिन उसका टैप है नहीं, इसका पैक नहीं लिख रहा मैं। ये देखो वो दिख रहा है नीमो का, ये इधर पे इधर देख पास से देख दिख रहा है वो ब्लू, ये व्हाइट और ये ऑरेंज कलर का फिश है जो है उसके अंदर। वो साइड में भी देखिए और एक दिख रहा है इशू, इसका पैक भी लेकर आया हूँ मैं। वैसे खोल लूँ? खोल लो। ये देखिए यहाँ पे चल रहा है वो। और ये इसका घर में और दूसरा कोई फिश नहीं जा सकता मैडम। अच्छा क्योंकि ये दूसरा फिश जाएंगे तो वो चिपक जाएगा। ठीक है साइड में जो बड़े फिश है वो जेबरा फिश है। मैं जेबरा का वो बहुत सारे ये दिखाएंगे आपको, फिशेस का झुंड दिखाऊंगा वो साइड में। ओके अभी ये फाइंडिंग नीमो का एक मूवी आया जो फाइंडिंग नीमो, और इसके बाद एक फाइंडिंग डोरी भी एक मूवी आया नया। फाइंडिंग डोरी है, डोरी जो आया सर वो जो की ऊपर में कलरफुल जो है ना ये जो ये डोरी है। लो टाइड पे। ओके अगर इनकेस अगर गेस्ट आता है आपको हाई टाइड पे उसका विजिट ऐसा हो रहा है जो हाई टाइड है तो नहीं ये वाला भी दिखेगा उसको बोलने सर आपको थोड़ा गीला होना। अच्छा ठीक है तो उस टाइम दो लोकेशन होता है।
यहाँ पे देखिए रेड कलर दिख रहा है, वहाँ पे ऑरेंज कलर दिख रहा है, ब्लू रेड सब दिख रहा है। इसको मैं एक बार टच करता हूँ, रेड वाला कोई एक टच करिए, मैं ये ऑरेंज वाला टच करता हूँ। करो टच, चलिए अंदर गायब हो गया, अंदर थोड़ा देरी में बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे है, तो देखिए मैंने ऑरेंज कलर को टच किया था, पर्पल भी है, इसका पर्पल देख, ये रे इधर पर्पल। ये देखिए छोटा फिश इसका झुंड है यहाँ पे नीचे में। और ये भी इसमें सनसेट भी दिखता है। अच्छा हाँ सर। और ये ऑयस्टर शेल जिसमें मोती बनता है मैडम, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया, ये देखिए सर यहाँ पे बहुत सारे हैं कोकोनट फ्लावर, 12 कलर में होता है ये। ओके। और जो ऑयस्टर शेल होता है ये खाली ब्लू कलर में नहीं होता है सर ये। ओके। मैं अगर वो साइड में जाऊँगा तो दूसरा कलर का भी दिखाऊंगा आपको। ये सी शेल है ना, ये जो ऑयस्टर शेल बोला जाता है। अच्छा ऑयस्टर शेल बोला जाता है। ये देख मछलियाँ इधर, इतनी सारी मछलियाँ। ये इसको टच कर सकते हैं सर? उसको टच करने से क्लोज हो जाएगा। अच्छा कर दूं? करके देखो। अरे टच करें वो, देखिए सर हवा टच चल रहा है, कैसे सुंदर हवा, देखिए बंद हो गया शैल है वो, देखो वो देखो ये क्या हवा चल रहा है, हवा जादू से पत्ती हो सामने। बंद हो गया, छोड़ दे इसको, लाइव होता वो भी। चलिए सर वो देखिए ब्रिज का फ्रंट साइड दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ उसका फ्रंट साइड में एक लोकेशन है, उसका बैक साइड में आ जाता है। ओके जो देखिए मार्केट में जो काउंट करता है वो अच्छा अच्छा ऐसे ये नहीं नहीं लेकर नहीं जाना, बस ये देख लो लाइव है, ये लाइव है। क्या ये जिंदा है शंख? ये बड़ा होता जाता है ना, तो ये अंदर वाला निकलता है और ये शेल्स को बड़ा करते हैं। ठीक है, जो हर्मिट के रहते हैं वो अलग होते हैं, हर्मिट क्या करते हैं अपना घर को छोड़ते रहते हैं धीरे 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 6 महीने अंतराल। ठीक है मैम, ओहो अक्टूबर से रिकॉर्डिंग कर रहा है। स्टारफिश है? स्टारफिश नहीं, क्रैब बोल रहे हैं ना? नहीं स्टारफिश है सर, ये भी है ना? हाँ वो भी है। ये बड़ा इशू सर, आपने क्या मेरा हाथ के साथ लिया क्या फोटो वगैरह? नहीं नहीं नहीं, अलाउड नहीं है। देख रहे इशू, रिकॉर्डिंग ऑन है सारी है। स्टारफिश देखो कहीं पैर में लग जाए, ये अंदर से देखो नीचे देखो। ऊपर से देखिए बस, चलो वहाँ पे जाके सर फोटोग्राफी करते हैं। ये ब्रिज है देखिए सर, वाओ देखिए ब्रिज।
देख रहा सामने देख चल आगे चल लीशु संभल के पैर पूरा पैर पानी में डाल दो ऊपर रखने से अच्छा पानी के अंदर कर लो स्लिप नहीं होगे कभी पानी के अंदर अंदर रख के चल लो दीवार के ऊपर आ जाइए ये माता जी आ गए चल चल ये देखो कितने सारे क्या भाई ये देख दिख रहा है शू कहां पर है ये सामने दिख रहे हैं ब्लैक कलर के बहुत सारे क्या भाई हैं दीवार सर यहाँ पे एक फिश है जिसका नाम है रॉककीपर फिश है यहाँ पे देखिए पानी में भी जिंदा रहता है और बिना पानी का वो देखिए दिख रहा है सर हाँ। अंदर घुसी हाँ वो देखिए इसे पानी में भी जिंदा रहता है फिश बिना पानी का भी जिंदा रहता है सर रॉककीपर फिश जिंदा रहता है यहाँ पे देखिए दो लाइट प्रोडक्ट और यहाँ पे देख पाएंगे स्नेल जो स्नेल को खाया भी जाता है सर ये देखिए यहाँ पे भी स्नेल है और यहाँ पे भी स्नेल है यहाँ पे मैडम ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दो लाइव कोरस है मैडम ये नीचे में देखिए ये हनीकॉम कोरस है और वो साइड में वो जस्टुट कोरस जो हनीकॉम कोरस है ये 5 साल में 1 इंच ग्रोथ होता है और वो जस्टुट कोरस जो है 3 साल में 1 इंच ग्रोथ होता है और कोरल क्या होता है कोरल में माइक्रो ऑर्गन कलीव होता है अगर ये 3 चीज़ से कोरल मरता है एक ह्यूमन टच से दूसरा है डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग सनलाइट से और तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग से इसके साथ अगर इसके साथ ऐसा कुछ हैपन होगा तो कोरल मरेगा आगे दिखाऊंगा कोरल इंसान ने टच करके ह्यूमन ने टच करके मारा है वो भी दिखाऊंगा लेकिन सर कहाँ है कोरल ये जो हाँ सर ये जो कलर है ये है आपका हनीकॉम को आगे भी दिखाऊंगा सर और वो कैक्टस है नहीं वो वाला सर वो है जैकफ्रूट को वन सेकंड दिया हाँ जी किसी को मेरा हेल्प चाहिए तो बताइए मैं आपको पार करा दूंगा वहाँ पे सर यहाँ पे देखिए कितने सारे क्रैब हैं ये देखो क्रैब एक मिनट आओ हाथ पकड़ लो पूजा मेरा और यहाँ पे देखिए स्टार फिश का एक है यहाँ पे कुछ कुछ बाहर आ गया है कुछ कुछ वहाँ पे स्टार फिश का एक अभी भी है वो देखिए ठीक है सर स्टार जैसी लग रहे हैं ना हाँ स्टार फिश का एक है वहाँ पे और नीचे में जो है ये 5 कोरल्स है सर ये वाला ये जो है 5 कोरल्स है ये 3 साल में 1 इंच ड्रॉप होता है ये 5 कोरल्स हाँ 5 कोरल्स अभी आपको फिशेस का एक्वेरियम लेके जाऊंगा जहाँ पे फिशेस को फीड करेंगे और वहाँ पे कुछ लाइव कोरल्स चल पा रहे हो अगर हेल्प चाहिए तो बताइए प्लीज अच्छा लग रहा है सर हाँ बहुत बढ़िया ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है थोड़ा सा आ जाइए चल सर यहाँ पे आपको दिखाएंगे ब्रेन कोरल ह्यूमन ब्रेन कोरल और कॉलीफ्लावर ये ह्यूमन बेबी ब्रेन कोरल दिखाऊंगा और खाली बेबी ब्रेन कोरल वो साइड में दिखाऊंगा जो रात को मून लाइट में और रिफ्लेक्शन करता है वो वाला भी दिखाऊंगा अच्छा ओ देख और ये है कॉलीफ्लावर ये कॉलीफ्लावर जो होता है ना ब्रेन कोरल मुझे वहाँ कैसा लग रहा है ना और यहाँ पे देख सर ये कॉलीफ्लावर ये कॉलीफ्लावर है ये ब्राउन कॉलीफ्लावर है आगे मैं आपको पिंक कॉलीफ्लावर दिखाऊंगा व्हाइट कॉलीफ्लावर दिखाऊंगा ठीक है सर यहाँ का ये हो गया आगे जाके फिशेज दिखाता हूँ चलिए मैडम यहाँ पे देखिए ये पिंक कॉलीफ्लावर्स हैं आप देखिए पिंक कलर का अच्छा हाँ वो देखिए ये वाला पिंक कॉलीफ्लावर्स हैं यहाँ और यहाँ पे एक बटरफ्लाई फिश है वो नीचे में वो देखिए बड़े साइज का एक बटरफ्लाई फिश है वो देखिए दिख रहा है के सपोर्ट में हाँ हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल वो जो पत्थर के नीचे हाँ आगे दिखाएंगे आ जाइए हाँ ये देखो ये डोरी है ना ये जेवड़ा है
जेफ जेफ मैडम आपको ये मैश करके डालिए थोड़ा सा मैश करके डालना डालो रुकना रुकना इश्ता अभी पानी जाएगा ना अब डालो भाई पूरा मैश करके डालना था खराब हो गया वो एक ही विश खा गई मैश नहीं समझती हो समुंदर के अंदर सब कैसा लग रहा है हाँ बहुत अच्छा फिशेस कोरल है और हम समझ सकते हैं काफी लोग जो ये सीन देख रहे होंगे वो विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये सीन एक आर्टिफिशियल एक्वेरियम में नहीं जबकि नील आइलैंड के एक नेचुरल एक्वेरियम में फिल्माया गया है जहां हम फिशेस के साथ साथ काफी सारी कोरल लाइफ को भी बहुत पास से महसूस कर पा रहे हैं आ जाओ वो देखो देखो कैसे चढ़ रहा है इश्ता देख तू भी अपने चारों पांव से ऐसे चल वो जो देख रहे थे ना मैं वो ईल थे वो भी इलेक्ट्रिक येलो ये सब लाइव है जब बड़े होते हैं यहाँ पे सर एक बटरफ्लाई फिश भी है वो देखिए येलो और व्हाइट कलर का आप अगर डालेंगे तो आपको फोटो में आ जाएगा वो देखिए वो देखिए वो चलिए वो दूर में चलिए ये है बेबी ब्रेन कोरल रात को मूनलाइट उसके नीचे स्टार फिश भी है नहीं वो सी अर्चिन है अच्छा तो क्या है सी अर्चिन सी अर्चिन हाँ जो उसका टेंटिकल एक बहुत ज्यादा टेंटिकल्स है और उसके जैसा देखिए और वो देखिए बटरफ्लाई वो देखिए ये येलो और ये इसका आ गया शायद आपका फोन में इस पे कैमरे में ये वाला ये बटरफ्लाई फिश है हाँ जो दिख रही है इसका आपका कैमरे में बहुत अच्छा कैमरा आएगा सर ये बड़े सा इसका ब्रेन कोरल है और ये माइक्रो एस्टर कोरल है यहाँ पे ये देखिए ठीक है सर माइक्रो एस्टर कोरल है आपको ये जगह अच्छा लगा सर हाँ बहुत बढ़िया रिकमेंड करेंगे अच्छा सर ये जो कोरल है ये बोल्डर कोरल है ये भी थोड़ा सा ह्यूमन टच से मर चुका है अच्छा अच्छा बोल्डर कोरल बोल्डर कोरल ये माउंटेन कोरल है हमारा जो ब्रिज बना है और इसके नीचे भी एक टाइगर कोरल है और सामने एक ये देखेंगे यहाँ पे भी एक देव कोरल
ये भी तो कोरल ही है। लेकिन वो मर चुका है। ये वाला जिंदा है सर? वो वाला मर, वो वाला साइड से थोड़ा सा है बाकी। ये भी प्लेन कोरल है। बस यहाँ तक ये हमारा, ये वहाँ से एक फोटो खींचूंगा, ये बैकग्राउंड का इफेक्ट। हो रही है ना? हाँ। और प्रकाश जी हमारे गाइड हैं, जिन्होंने हमें कोरल रीफ्स के बारे में और नेचुरल ब्रिज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मरीन लाइफ के बारे में, नो डाउट। तो मिलते हैं प्रकाश जी से वेरी सून। Have a nice day. Enjoy your trip. Thank you. ये एपिसोड डेडिकेटेड था नील आइलैंड के लक्ष्मणपुर बीच टू पर, और जहां पर हमने एक्सपीरियंस किया कोरल लाइफ अंडमान्स की कैसी होती है, साथ में देखा नेचुरल ब्रिज जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। मिलते हैं अंडमान्स के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।